चलो बेटा नेक्स्ट चीज, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरीज, ओवरीज के साथ साथ हमने फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट्स को पढ़ा था और ओविडक्ट्स के साथ साथ हमने यूट्रस कंप्लीट किया था। चलिए आज हम कोशिश करते हैं कि इसका ये लास्ट दिन ही हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वजाइना। देखिए दिस इज दी वजाइना, अगर हम यहां पर इसको लेबल करें दिस इज दी वजाइना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहां, दिस इज बेसिकली, मैं इसको साथ साथ अब लेबल करूंगा। नाउ ये है क्या? देखिए वजाइना जो है एक मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर है, इलास्टिक है, इलास्टिक ट्यूब है जो लगभग ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है, छोटी सी कैनाल। लेकिन ये कैनाल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बर्थ ऑफ द चाइल्ड उस पर हेल्प करती है। दूसरी बात, अब यहां पर ये जो वेजाइना है ये, इसके पास कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स क्या है? यहां पर क्या होंगे? कुछ लंबे फोल्ड्स होंगे इस तरह से। सो ध्यान रखिए क्योंकि कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकली ही समझनी पड़ेगी। 2 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं और इसके साथ साथ एंड फ्यू ट्रांसवर्स फोल्ड्स। ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड्स हैं, इन ट्रांसवर्स फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? दीज ट्रांसवर्स फोल्ड्स आर नोन एज वेजाइनल रुजे। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेजाइनल रुजे। अब ये वेजाइनल रुजे जो है ट्रांसवर्स फोल्ड्स है, लेकिन जब भी अगर एक वर्जन फीमेल की बात करें तो वर्जन फीमेल में क्या है कि ये फोल्ड्स जो है थोड़े से रफ होते हैं, रिजेस होते हैं। लेकिन जब एक किसी भी फीमेल का एक से या एक फर्स्ट डिलीवरी होती है, एक बच्चा हो जाता है, तो इसी रास्ते से बच्चा बाहर आता है, तो ये फोल्ड्स के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाती है, दे बिकम स्मूथ, क्योंकि रगड़ लगती है, रगड़ लगेगी। तो जब बच्चा वो रगड़ लग के वो उस कैनाल से इस तरह से बाहर आएगा तो ये फोल्ड्स क्या हो जाएंगे? स्मूथ हो जाते हैं। तो दीज वेजाइनल रुजे बिकम स्मूथ आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। अब इसके बाद एक और जो चीज वेजना में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेजना देखिए एक्सटेंड कर रही है। कहां एक्सटेंड कर रही है? देखो इनटू दिस डिप्रेशन, ये रीजन देखिए, ये रीजन वेजना इज एक्सटेंडिंग इनटू दिस रीजन, सर्विक्स रीजन, सर्विक्स के फोल्ड के बीच में यहां एक्सटेंड कर रही है। दिस रीजन इज नोन एज फॉर्निक्स। क्लियर? वेजना एक्सटेंड्स इनटू द सर्विक्स रीजन, फॉर्म्स ए डिप्रेशन, इसके बीच में एक डिप्रेशन जैसा होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ द वेजना। वेजना एक्सटेंड करती है और एक्सटेंड कहां करती है? इन द रीजन ऑफ द सर्विक्स। तो ये रीजन क्या कहलाता है जहां मैंने येलो कलर से मार्क किया है? दिस इज फॉर्निक्स। उस एरिया को क्या कहते हैं? फॉर्निक्स कहते हैं। अब देखिए वेजिना जो है इसके पास कुछ इसकी लेयर्स भी होती हैं। इट हैज वॉल्स और उसे हम क्या कहते हैं? द वॉल्स आर नोन एज वेजिनल वॉल। वेजिनल वॉल है। अब ये जो वेजिनल वॉल है इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम आउटर की बात करें, इनर की बात करते हैं, इनर इज म्यूकोसा, इट इज म्यूकोसा लेयर। अगर मिडल देखें तो मिडल इज
आवर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर पे। और जब हम आउटर की बात करते हैं, आउटर लेयर इज नोन एज एडवेंचिया लेयर। लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है म्यूकोसा। इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। हालांकि तीनों उसका एक हिस्सा बना रहे हैं वेजिनल वॉल का, लेकिन ये जो है याद रखिए इस इनर म्यूकोसा के नाम से पता लग रहा है म्यूकोसा कि ये कोई फ्लूइड सीक्रेट करती है, बट याद रखिए नो सेक्रीशन इज डन बाय दिस लेयर। देयर इज नो सेक्रीशन बाय इनर म्यूकोसा। इनर म्यूकोसा किसी भी तरह की सेक्रीशन नहीं करती है। इवन इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो सर्विक्स है ये अपना सर्विकल फ्लूइड जो है इसमें आ जाता है, जिससे कि लुब्रिकेशन हो जाती है, जिससे कि ये म्यूकस यानी मॉइस्ट रहता है। इसका अपना कोई फ्लूइड नहीं होता। लेकिन हां एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीक है, एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेजिनल वॉल की इनर म्यूकोसा जो है वो ये सेक्रेट करती है, और वो क्या है? द वेजाइनल फ्रेंडली बैक्टीरिया। वेजाइनल फ्रेंडली बैक्टीरिया, और वो क्या होते हैं? दोज टू बैक्टीरिया आर, नोट डाउन द नेम्स, लैक्टोबेसिलस एंड लैक्टो न्यूस्टॉक। अब ये दो बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये दो बैक्टीरिया दे न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। देखिए ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, यूरेट्री एरिया की जो एसिडिटी है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं। और दूसरी चीज ये करके करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर मेरी बात? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ, अब जो कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं फीमेल्स को, तो वो फंगल इन्फेक्शन क्यों होती है? क्योंकि फीमेल्स जो है बार बार जब भी यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो वो क्या है, वेजिनल डाउचेस देते हैं। वेजिनल डाउचेस क्या होते हैं? दोस एरिया इज वॉश्ड, उसको धोया जाता है। तो बार बार अगर धोएंगे तो ये जो वहाँ की जो ये बैक्टीरिया है ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्लियर मेरी बात? सो ये क्या है ये, और इसका मतलब है कि बार बार वेजिनल डाउचेस नहीं देने चाहिए। उसके बाद अब देखो ये दोनों बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स इसके याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी एंड सेकंड वन इज द ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, किसी और बैक्टीरिया को वहां ग्रो नहीं होने देंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेजिनल फ्रेंडली बैक्टीरिया। अब दूसरी साइड जब हम इस केनाल की बात करते हैं, ये केनाल बाहर की साइड खुलती है। ये केनाल कहां खुलती है? It opens into vestibule area, outer area of the female. बाहर खुलती है through कैसे? Opens outside via a canal, via vaginal orifice. एक केनाल के थ्रू बाहर आती है, वो केनाल क्या है? ये वेस्टिब्यूल एरिया में ये केनाल होती है। हम अभी इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि वेजिनल ऑरिफाइस है क्या। तो वेजिनल ऑरिफाइस से ये जो वेजिना है ये बाहर की साइड खुल जाती है। जो एरिया हमें फीमेल का विजिबल होता है बाहर से, द वेजिनल एरिया, वो वहीं पे खुलती है। दिस इज द वेजिनल ऑरिफाइस, एक ओपनिंग है जहां से खुलती है। इसी वेजिनल ऑरिफाइस पे क्या होता है, देयर इज अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर, थिन मेम्ब्रेनस लेयर। और वो थिन मेम्ब्रेनस लेयर क्या है, दैट इज नोन एज हाइमन। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहा जाता है, हाइमन।
और ये हाइमन लेयर जो है बेसिकली ये फीमेल्स में होती भी है और कई बार नहीं भी होती है, अंडरस्टूड। ये लेयर वेजिनल ओरिफाइस में होती है, लेकिन जितनी भी एथलीट्स होती हैं या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स वुमेन है, स्पोर्ट्स फीमेल्स है, उनमें क्या होता है कि ये लेयर कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, इसका कोई लेयर लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वर्जिनिटी जो है, वर्जिनिटी इसी हाइमन की वजह से होती है, जिस लेडी पे ये हाइमन नहीं है वो वर्जिन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये हाइमन जो है किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे, कईयों में तो रहती ही रहती है, कईयों में नहीं रहती है, अंडरस्टूड। तो ये इसका कोई ये कहे कि वर्जिनिटी के साथ इसका कोई लेना देना है, इसका कोई ऐसा नहीं, अंडरस्टूड। सो रिमेंबर दिस इज जस्ट ए लेयर जो क्या करती है, पैसेज ऑफ During the menstrual flow, ये एक रास्ता देती है जहाँ से menstrual flow बाहर आता है, जहाँ से जो भी material है menstrual flow के दौरान बाहर आता है वो बाहर आ जाता है। तो ये एक रास्ता है, hymen एक layer है जो हो भी सकती है और नहीं भी होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ होती है ये, vaginal orifice area में। अब हम चलते हैं आगे, so this completes the vagina almost, अभी बहुत सी बातें होंगी वो बाद में देखेंगे। वेजिना जो है इट एंटर्स इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हम कहा जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं, अब वेजिना कहां एंटर हो रहा है, आगे बाहर खोल रहा है, मैंने यहां कहा ना इट ओपन्स आउटसाइड टू वेजिनल ऑरिफाइस इन द वेस्टिब्यूल एरिया, तो चलिए हम उसी एरिया को ले लेते हैं। द नेक्स्ट एरिया इज वेस्टिब्यूल, या हम उसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोल सकते हैं या वल्वा भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इन एरियाज को देख लेते हैं कि वो एरियाज क्या है। देखो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो नोन एज या वल्वा भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा के पास क्या होता है, एक रीजन, it is the outer region, it is the external part of the female, external part which leads into, जो कहां खुलता है या कहां होता है, which leads into, हमें कहां ले जाता है, into vestibule area, vestibule area, ये याद रखिए। अब कैसे, अब हम इस area को देखते हैं। look here, देखिए दिस इज द एक्सटर्नल एरिया, मैं कोशिश करता हूं बनाने की यहां, दिस इज द एक्सटर्नल एरिया और इसके बीच में क्या है, देयर इज दे ए layer of और यहां पर ये देखिए ये एक्सटर्नल वेस्टिब्यूल का है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, और इसी के अंदर यहां पर क्या है सब, यहां पर इस तरह से आप देख रहे हैं, और इसके बाद there is one area here and one area here upon, अब इसको and this is another area, this is the whole external genitalia. देखो बेटा ये सारा एरिया क्या है, this is the whole external genitalia, जो externally हमारे present होता है, humans में present है। अब मैं इसमें यहां देखो ये जो एरिया है, मैं इसको जो अब यहां पर इस तरह से कर देते हैं ताकि इसकी पूरा हमें पता लग जाए कि क्या क्या चीजें कहां कहां, देखो
अब ये जो आपको यहाँ एरिया दिख रहा है ना, दिस इज द होल एक्सटर्नल जेनिटल एंड दिस पोर्शन, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेस्टिब्यूल एरिया, दिस इज वेस्टिब्यूल एरिया। अब यहाँ होता क्या है, इसके पास दो फोल्ड्स होते हैं, इट हैज टू फोल्ड्स, दो फोल्ड्स होते हैं। वो दो फोल्ड्स कौन से हैं, एक ये बाहर वाला द आउटर शेडेड पोर्शन, दिस इज द बिगर फोल्ड, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, दिस इज द बिगर फोल्ड जो इस पूरे वेस्टिब्यूल एरिया को कवर करता है, ये ऐसे बंद होता है। अगर हम इसको इस तरह से खोले तो इसके अंदर से हमें ये दिखाई देता है, ये पार्ट दिखाई देता है। तो ये पूरा एरिया जो है ये किसने किया होता है, ऊपर एक फोल्ड ने कवर किया होता है। एंड दिस बिगर फोल्ड, इसके पास क्या है, इट हैज द फैट डिपोजिशन भी होती है, इसके ऊपर फैट डिपोजिशन है। और यही फोल्ड लेबिया मेजोरा ऊपर चला जाता है और यहां क्या है, एक एक हम कह सकते हैं इट्स एलिवेशन। इसी लेबिया मेजोरा जो है ये आगे क्या है, एलिवेशन है, एक एक्सटेंडेड एरिया है। एंड दिस एक्सटेंडेड एरिया इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं इसे। और इस मॉन प्यूबिस एरिया के पास क्या होता है, लेट अस इसको साथ साथ देख लें। यहां पर आपको क्या दिखेंगे, यू विल सी दीज ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, हेयर ग्रोथ, जो इस एरिया में हेयर ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज प्यूबिक हेयर ग्रोथ। अब इसी के नीचे चल पड़े, जैसे ही हम इस फोल्ड को खोलते हैं, इट ओपन्स इनटू अनदर एरिया विच इज दिस वन एरिया। ये देखो बेटा, दिस इज, ये जो हल्का हल्का शेडिंग में दे रहा हूं, दिस एरिया इज द माइनर, छोटा फोल्ड है। और इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, दिस फोल्ड इज नोन एज लेबिया माइनोरा, इसे हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। और ये लेबिया माइनोरा और मेजोरा, याद रखिए इन दोनों के पास क्या होता है, दे कंटेन सेबेशियस ग्लैंड्स, दे हैव सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस कौन से ग्लैंड्स होते हैं, दे आर ऑयल ग्लैंड्स, क्लियर। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक सेबेशियस ग्लैंड्स और एक सुडोरीफेरस। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या हुए, ऑयल ग्लैंड्स जो लुब्रिकेशन करते हैं, और सुडोरीफेरस क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जैसे हमें पसीना आता है, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स। और यहां पर क्या होते हैं, दे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दोनों के पास। तो ये क्या करते हैं, सेक्रीशंस करते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब अगर हम यहां देखें, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये रीजन जो है ये अपनी सेक्रीशन छोड़ता है, ये अपनी क्या है, सेबेशियस सेक्रीशन छोड़ता है, लुब्रिकेट करता है इस एरिया में। अब उसके बाद इसी एरिया को लेबिया माइनोरा के ऊपर देखो, लेबिया माइनोरा के बेटा आपको ऊपर देखो, यहां पर आपको एक ये टिप जैसी नजर आएगी, दिस एरिया, जिसको मैं थोड़ा सा डार्कली शेडेड करता हूं। नाउ दिस टिप एरिया इज नोन एज, हम इसे कहते हैं, इट इज सिमिलर टू पेनिस, ह्यूमन पेनिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस, इट इज नोन एज क्लाइटोरिस, इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहा जाता है। और ये क्लाइटोरिस का जो टिप होता है ये भी बड़ा सेंसिटिव होता है, दिस टिप, मैं इस साइड करता हूं, ये इसका टिप है, इट इज हाईली सेंसिटिव। फीमेल्स में इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, अगर इसको हम ऊपर से खोल कर देखें ना, तो इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, इट इज रेडिश एरिया। इसका काम सिर्फ क्या होता है, सेंसेशन एंड प्लेजर, सेंसेशन एंड प्लेजर। और ये क्या है, इसको भी हम यही कहते हैं ग्लांस पेनिस बोला जाता है, या इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लांस क्लाइटोरिडिस, इट इज नोन एज ग्लांस क्लाइटोरिडिस। अब यहां ग्लांस क्लाइटोरिडिस क्या है, इट इज ऑल्सो, ये पूरा एरिया जो क्लाइटोरिस वाला है, यही ये देखो ये ऊपर जा रहा है लेबिया माइनोरा, ये ऊपर जाके क्या है, फ्यूज सा होता है एक स्किन कवरिंग, इस पूरे एरिया को क्या किया होता है, क्लाइटोरिस और ग्लांस को इसको कवर किया है एक और स्किन कवरिंग ने। और वो स्किन कवरिंग क्या है, दिस स्किन कवरिंग इज सिमिलर टू द
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव में आपने देखा था द होल पेनिस इज कवर्ड ओवर बाय स्किन कवर नोन एज प्रोप्यूस, इसको भी प्रोप्यूस कहा जाता है, इट इज कवर्ड ओवर बाय प्रोप्यूस, अंडरस्टूड। तो ये उस एरिया से कवर होता है। जैसे ही हम खोला गया, अब यहां क्या है देखो, ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस एरिया इज नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफाइस। लेबिया माइनोरा के पास दो ओपनिंग्स होती है। लेबिया माइनोरा के अंदर क्या है, जैसे लेबिया माइनोरा को भी खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, दो ओपनिंग्स होंगी, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाली ओपनिंग है वो क्या है, सिर्फ यूरिनेशन के लिए, इट इज मेंट फॉर ओनली यूरिन पैसेज, इससे सिर्फ यूरिन पैसेज होता है, एंड इट इज यूरेथ्रल ऑरिफाइस। लेकिन ये जो एरिया है इट इज नोन एज कॉपुलेटरी कैनाल, दिस इज द सेक्सुअल कैनाल, जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, एंड दिस कैनाल इज नोन एज वेजिनल ऑरिफाइस। यही आपकी बर्थ कैनाल भी है, जहां से बच्चा बाहर आता है, और इसके साथ यही वो एरिया है जहां से स्पर्म्स एंटर करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी कहा था कि ये वेजिना कहां खुलता है, इट ओपन इन टू द वेजिनल ओरिफाइस। तो वो वेजिना कहां खुल रहा है, इनटू द वेस्टिब्यूल एरिया इन वेजिनल ओरिफाइस एरिया। अब यहां से जब नीचे चलते हैं तो यहां पर क्या है, ये जो लेबिया माइनोरा है इट इज ऑल्सो फ्यूज्ड। ये देखिए, ये मैं इस तरह से इसको ऐसे फ्यूज कर देता हूं, ये फ्यूज सा एरिया दिखाई दे रहा है। नाउ दिस फ्यूज्ड एरिया फ्रॉम द पोस्टीरियर लेबिया माइनोरा, अगर नीचे से लेबिया माइनोरा को देखें, इट इज फ्यूज्ड टू फॉर्म फोर्चीट, इट इज नोन एज फोर्चीट एरिया। तो फोर्चीट एरिया क्या होगा, इट इज द फ्यूज्ड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा लेयर। ये जो अंदर वाली लेयर है कौन सी है, लेबिया माइनोरा, इसका पोस्टीरियर फ्यूज पोजिशन क्या है, इट इज नोन एज फोर्चीट। अब यू नो ये कौन सा पार्ट है, इट इज द एनस, द एरिया बिटवीन एनस एंड द फोर्चीट, आप देख रहे हो मैंने इसको लेबल किया है, दिस एरिया बिटवीन द एनस एंड द फोर्चीट इज नोन एज पेरिनियम, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहा जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप वेस्टिब्यूल पार्ट को देखें तो वेस्टिब्यूल पार्ट क्या है, यहां पर आपको दो तरह के बड़े फोल्ड्स नजर आते हैं। वो दो तरह के बड़े फोल्ड्स क्या हैं, वो एक आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर वाला फोल्ड जिसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर ये सारा पार्ट होता है, सारा पार्ट इसके अंदर होता है, और ये यहां तक होता है, पेरिनियम तक जा रहा होता है, ये बड़ा पार्ट जो है पूरा यहां तक कवर रखता है, और जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। दोनों के पास ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी दिस वन लेबिया माइनोरा के पास एक ग्लैंड होता है, अंडरस्टूड। तो उस ग्लैंड की भी बात करी लेते हैं, लेट अस फिनिश दैट, उसको ना ही छोड़े तो अच्छी बात है, कल के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, फिर अगला पार्ट कल करते हैं। यहां है हमारा द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और द पार्थोलिन ग्लैंड्स। अब कहां प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए, दे आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वेजिनल ऑरिफाइस, each side of vaginal orifice। हमने कल structure भी draw किया था, है ना? तो structure draw करने की तो इतनी जरूरत नहीं है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो देख सकता है। अब देखो vaginal orifice के दोनों side होते हैं, अब इसका काम क्या होता है, देखिए simple सा काम है, वो काम क्या है, function इसका बहुत important है, एक है lubrication, lubrication during coitus, coitus होता है sexual activity, इसका काम क्या है, lubrication का, clear है, clear? Yes sir। ये simple सा इसका काम है, और इसके कोई खास function होता नहीं है, तो इसका सिर्फ यही है कि moist रखता है उस जगह को, vestibule area को, vaginal orifice को moist रखेगा, उसके साथ साथ ये sexual activity में बहुत help करता है, ठीक है? अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्रेस्ट्स।
अब ब्रेस्ट क्या है, ये सिंपल सा एक एक सिंपल ऑर्गन्स है, राउंडेड ऑर्गन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द थोरैकिक रिजेस, चेस्ट रिजेस। अब इन्हें हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि ये क्या है, दीज आर फिल्ड विद फैट, फैटी टिश्यू, फिल्ड विद फैटी टिश्यू। अब मैक्सिमम फैट यहां डिपोजिशन होती है, फैट डिपोजिशन होती है, प्यूबर्टी एज से ये ग्रो होना शुरू होते हैं, प्यूबर्टी एज से इनका साइज बढ़ना शुरू होता है, और आफ्टर इनका जो मैक्सिमम साइज है या मिल्क प्रोडक्शन जो है, वो मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ पार्चुरेशन के बाद ही होती है, आफ्टर डिलीवरी, उससे पहले ये कभी भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इनको हम ये भी कहते हैं दे आर फिल्ड विद, दे कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स क्या है, दोज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स आर नोन एज मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर बेटा, उन्हें हम क्या है, दोज आर मेमोरी ग्लैंड्स। और ये मेमोरी ग्लैंड्स किस काम में आते हैं, सिंपल सी बात है, मिल्क सेक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन। देखिए ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन, स्टोरेज। अब देखो बेसिकली इन फीमेल्स, इन ह्यूमन फीमेल्स, ब्रेस्ट्स आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द चेस्ट रीजन, दे आर बेसिकली द एलिवेशंस, ग्रोथ ऑफ द चेस्ट रीजन। अब ये क्या है, मैंने जैसे कहा कि दे आर फिल्ड विद फैटी टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो कौन सा सबसे ज्यादा टिश्यू होता है, इट इज द एडिपोज टिश्यू, फैट यहां डिपॉजिट होता है। कैसे होता है, लेट अस सी हियर, अगर यहां हम लें, दिस इज द पोर्शन, यहां पर क्या है, ये एक एलिवेशन ऑफ द चेस्ट, और यहां पर सिर्फ फैटी टिश्यू होता है, इस जगह पे आपको सिर्फ फैटी टिश्यू ही नजर आएगा, दिस इज द फैटी टिश्यू, यहां पे भी होगा, यहां पे, ऑल दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, बहुत सारा होता है, यहां एडिपोज टिश्यू सारा का सारा, सो यहां हम लिख देते हैं दिस इज एडिपोज टिश्यू। Now, यहां पर क्या है, दिस टिप इज नोन एज निपल, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो रीजन है, इस निपल रीजन पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, दिस निपल रीजन इज नॉट सिंगल पोर होता है, दिस निपल रीजन कंसिस्ट ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, कंसिस्ट ऑफ मैनी पोर्स, मल्टी पोर्स होते हैं। कैसे, ये देखिए, इफ ये देखिए, ये हमें ये इस तरह से पोर्स होते हैं, और इसके पीछे ये कुछ इस तरह से डक्ट्स बनते हैं, और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारे, ये देखिए, ये एक ही पोर्शन है जिसे हम निपल कहते हैं, लेकिन निपल में क्या है, देयर आर मेनी पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं प्रेजेंट, और इन्हीं पोर्स के पीछे क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट, दीज आर लैक्टिफेरस डक्ट्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, और इन्हीं लैक्टिफेरस डक्ट्स के पीछे There is present a swollen area. चलिए हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हर एक के पीछे, ये देखो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं के पीछे क्या होगा, There is a swollen area. This is the swollen area. Clear बेटा? Now this swollen area is known as एम्प्यूला,
और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिफेरस साइनसिस। और ये लैक्टिफेरस साइनसिस क्या है, ये वो प्लेसेस है जहां पर मिल्क स्टोर होता है, समझ रहे हैं बात, जहां पर मिल्क की स्टोरेज होती है, क्लियर। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो मिल्क बनना शुरू होता है, और जब मिल्क बनना शुरू होता है तो वो स्टोर कहाँ होगा, बहुत सी आगे टेक्निकल चीजें हैं। सो वो जो स्टोरेज होती है मिल्क की, वो कहाँ होती है, इन साइनसेस में, इन स्पेसेस में, एंड दीज साइनसेस आर नोन एज लैक्टिफेरस साइनसेस, या क्या कहा जाता है, एम्प्यूला कहा जाता है, क्लियर। नाउ इसी के आगे ये साइनसेस आगे बढ़ते हैं एंड दे फॉर्म डक्ट्स, ये इस तरह से यहां डक्ट्स बनते हैं, ये देखिए डक्ट्स की फॉर्मेशन, ये देखो बहुत सारे, मैं जल्दी से इसको आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां डक्ट फॉर्मेशन इस तरह से होती है, और ये सारे डक्ट्स बेसिकली मिल्क जहां बनता है। अब मिल्क बनता कहां है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, दीज आर ऑल्सो लैक्टिफेरस डक्ट्स, थोड़े से बड़े डक्ट्स होंगे। नाउ इन्हीं के यहां पर देयर आर प्रेजेंट सर्टन रीजंस, दीज रीजंस आर, दूसरे कलर से हम लिखते हैं, These regions are alveoli. ये दिख रहे हैं आपको बेटा? These regions are alveoli. बेटा दिख रहे हैं? सभी को क्लियर है, विजिबल है? यहां से थोड़ा सा ये मैंने थोड़े से टाइट बन गए हैं, पर चलिए हमें डायग्रामेटिकली देखना है, इतनी ज्यादा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें दिखना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर आपको इतना ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। तो देखो अब ये जो स्ट्रक्चर्स यहां बने हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स लीड इनटू सर्टेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज, मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है, दीज एरियाज विच आर नोन एज एल्वियोली, और ये मिल्क प्रोड्यूस होता कैसे है, देखिए आफ्टर पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन होती है तो इसकी डेवलपमेंट होती है, द ब्रेस्ट एनलार्ज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स होते हैं हम जानते हैं, फीमेल्स में दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दे हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, वो इनकी इन स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इनके अंदर क्या है, देखिए देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन व्हिच इज नोन एज प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन कहां करवाएगा, इन एल्वियोली, तो याद रखिए ये क्या करवाएगा, मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब जब नेचुरली बच्चा तो दूध मांगता है, वो क्या करेगा, निपल्स को सक करता है, सकिंग से क्या होता है, देयर इज अ स्टिमुलस गोइंग ऑन, स्टिमुलस जाता है मां के अंदर, और क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी देयर इज अ हार्मोन नोन एज ऑक्सीटोसिन, कहां से आता है वो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये क्या है, मिल्क इजेक्शन, यानी दूध जो है, मां का मिल्क जो है वो बच्चे को मिल जाता है, वो सकिंग करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इसीलिए कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ी बात आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हो, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होता है, देखो दीज आर
present inside certain lobes. ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो मैं lobes जैसे बना रहा हूं थोड़ा टाइट हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये lobes जो यहां बन रहे हैं, आप देख रहे हो, मैं इनको थोड़ा सा एक को शेड कर देता हूं। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दीज आर बेसिकली लोब्स। नाउ दीज लोब्स, दीज आर लोब्स, ये कितने होते हैं? 15 टू 20 लोब्स होते हैं एक ब्रेस्ट में। एक ब्रेस्ट में कितने लोब्स होते हैं? 15 टू 20। और इन्हीं 15 टू 20 लोब्स के बीच में क्या होते हैं? देयर आर लोब्यूल्स। अब वो लोब्यूल्स कौन से हैं? दीज आर द एल्वियोली। एल्वियोली आर ऑल्सो नोन एज लोब्यूल्स। और ये लोब्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क। और वो मिल्क कहां जाएगा? दैट मिल्क एंटर्स इनटू दीज लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट से जब बच्चा यहां सप्लिंग करेगा, दीज एंटर इनटू, यहां आ जाएगा, स्टोर होगा। जैसे बच्चा सप्लिंग करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन से मिल्क जो है बच्चे को मिल जाएगा। नाउ इसी, ये जो एरिया है, ये जो निपल एरिया है, निपल एरिया के चारों तरफ, मैं यहां देख देता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं, दिस एरिया इसको ऐसे कर देते हैं। निपल एरिया के चारों तरफ क्या होता है? अगर एक छोटा बच्चा है, एक छोटी फीमेल है, दैट इज द पिंक राउंडेड एरिया। निपल एरिया के चारों तरफ क्या होता है? पिंक राउंडेड एरिया। और जैसे जैसे एक फीमेल बड़ी होती है, दैट कलर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। और वो जो सर्कुलर एरिया होता है, दैट सर्कुलर एरिया अराउंड द निपल इज नोन एज एरियोला। दैट सर्कुलर एरिया अराउंड द निपल ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज एरियोला कहा जाता है। और याद रखिए, उस एरियोला का जो कलर है, दैट कलर चेंजेस विद द एज। जैसे बच्चा छोटा है, 17-18 साल का बच्चा है, उसका कलर और छोटे बच्चे का कलर थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगा, कलर चेंजेस फ्रॉम पिंकिश टू लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन टू, जब वो मेच्योरिटी पे चला जाएगा, अबव 40 चला जाएगा, इट बिकम्स डार्क ब्राउन। तो वो क्या है? दैट सर्कुलर एरिया इज नोन एज एरियोला। क्लियर मेरी बात? Yes. अब ये जो मदर्स मिल्क होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, नो डाउट देयर आर अल्टरनेटिव्स, बट दोस दैट मिल्क, मदर्स मिल्क कंटेन द मोस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स। अब उसके अंदर क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम लैक्टेशन की बात करेंगे इस टॉपिक के एंड में, तो वहां हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, द फर्स्ट मिल्क। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, इट इज नोन एज कोलोस्ट्रम। द फर्स्ट, इसको ये भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फोर मिल्क। ये बच्चे को पिलाया जाता है शुरू में, इससे बच्चे के बहुत सारी जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है वो दूर हो जाते हैं। इट इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन्स, रिच इन इम्यूनोग्लोबिन्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर मेरी बात? तो बाकी इसकी जो बात है, जो मदर्स मिल्क की बात है, या जो हमने लैक्टेशन में पढ़ना है, वो हम एंड के टॉपिक में करेंगे। तो ये याद रखिए, इट इज बेसिकली एडिपोज टिश्यू स्ट्रक्चर, आप देखो किस तरह से है बना हुआ है। क्लियर है मेरी बात? सो अंडरस्टूड? सो दिस कंप्लीट्स योर द लास्ट पार्ट of the female reproductive system, which is known as the breasts. Now let us move to the next part.